सदियों से भारतवर्ष में हर सुबह सूर्य नमस्कार के साथ होती है। टीवी से राशि रत्न और भाग्य से लाखों लोगों को नवग्रह के दुर्लभ रत्नों से अपनी किस्मत बदलने का अवसर मिला। उस सुबह जब मीनू उठी, उसके मीठे सपने अब तक उसके जिस्म को छू रहे थे। काम से पहले वो अपने मजनू को छुप छुप के मिलने जा रही थी। मीनू ने आशिक की नजरों से अपने आप को शीशे में देखा, होंठ थरथराते, यौवन धड़कता। पर ये नाजुक कली नहीं जानती थी क्या अंजाम होगा इस मनोहर कहानी का। मीनू की आंखों में खूबसूरत नशा था। अपनी खुमारी में वो भूल गई थी कि मोहब्बत एक दो धारी खंजर है, जो उसे छूता है वो कटता जरूर है। मीनू से पहले कई अनछुई कलियां इस दर्दनाक सच की खिजा में मुरझा चुकी थी, क्योंकि जब खून में तेजी हो तो उसके बहने का खतरा तो होता ही है। आइटम गर्ल राखी सावंत पर इल्जाम है कि पब्लिसिटी के लिए राखी एक बार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्होंने बहुत वैशाली हरकत की है मेरे साथ। एक बार पहले देखते हैं आपने क्या किया, आपने कैसे केक खिलाया। इस तरह का प्रोवोकेशन क्रिएट करें, अपनी इस तरह की इमेज बना लें, तो फिर अगर इस तरह की घटनाएं हो जाए उसको जाति कोई कैसे कहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट ड्रेस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी करियर ऐसा, इसलिए कोई मेरा फायदा उठाएगा? कोई नहीं। उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। मीनू बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी हसीन कि उसके आकर्षण में कोई भी युवक बुरी तरह उलझ सकता था। मनीष ये सोचे बिना रह न सका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीनू की खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई हो। लेकिन जो अब नई पीढ़ी के पुलिसकर्मी हैं, उनमें एक जज्बा होता है टीवी पे दिखने का, तो इस नाते वो उनको साथ लेके गया। ये सब गुड वर्क करते हैं, वो घूमने निकल गए लेकिन वहाँ जाकर तो माहौल ही बदल गया। पुलिस ने जो भी किया, मतलब कहीं ना मतलब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को फुटेज बनवाने के लिए किया, लेकिन वो एंगल बदल गया तो उसमें पुलिस तो गुनहगार नहीं है ना। पत्रकारों ने अपने काम की चीज़ निकाल ली। और मेरठ के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी मामूली सी घटना जो जन सरोकार से जुड़ी हुई नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में मैराथन दौड़ शुरू हुई, 3 दिन उसके लाइव टेलीकास्ट चले। आपको पता है कि ऑपरेशन मजनू का नाम किसने दिया? इस बारे में कोई भी नहीं जानता, मतलब हम लोग भी नहीं जानते। अब चूंकि जो प्रकाश माया है ऑपरेशन मजनू, हमने भी लिख दिया, चूंकि हमने तो आने के बाद लिखा है, तो एक लकीर के फकीर वाली स्थिति है। यही ट्रुथ, कोई नहीं जानता ऑपरेशन मजनू आखिर किस दिमाग की उपज है। मेरठ पुलिस ने सोमवार को प्यार करने पर जमकर कहर पपाया। शहर के गांधीबाग में पुलिस ने छापा मारकर एक साथ बैठे लड़के लड़कियों को, जो ऑपरेशन मजनू का कवरेज हुआ था कि वो यहीं कंपनी गार्डन में हुआ था, गांधीबाग में। कैंटोनमेंट बोर्ड का ये गार्डन है और मेरठ का एकमात्र ऐसा गार्डन है जहाँ पर प्रेमी युगल आकर के शांति से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं। पूरे मेरठ में इसके अलावा कोई और गार्डन नहीं है, कुछ रेस्टोरेंट और साइबर कैफ़े वगैरह हैं, लेकिन वो चूँकि पब्लिक प्लेसेस में हैं, बाज़ारों में हैं, तो वहाँ वो लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो यही एकांत एक जगह है। देखो भाग रहे। वो भाग गए, देखो वो भाग रहे। एक भी हाथ ना आवे ऐसे तो तुम्हारे। 2 दिन तक मैं अपने चैनल को ये समझाने का प्रयास करता रहा कि ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, प्रशासन और मीडिया की साठगांठ के द्वारा ये किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन एक चीप पब्लिसिटी चाहता है और मीडिया को भी एक मसालेदार खबर चाहिए।
मैम ये मेरी बीवी है, क्या बात कर रहे हो आप? अरे बेटा लड़का भी है 4 साल का, क्या बात? घर पे जगह नहीं है? अरे देखो अभी मैं बता दूं तो मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं मेरी पढ़ाई में पढ़ना नहीं है, मैं कोई काम कर रही हूं। नहीं पीटा नहीं गया, मगर ये है कि ईव टीजिंग को रोका जाए, ये प्राथमिकता है। कहने लगे हमारी कंपनी बाग में फोटो खींची गई है, लेकिन मेरी फोटो पड़ते मेरे पापा मर जाएंगे। फिर बिट्टू कहने लगा मम्मी ये घर नहीं जाएंगे, मैं कहाँ जाएगी? कहता पता नहीं कहाँ जाएगी। तो मैं कहा चल इसको छोड़ गया। तो उसके बाद जब छोड़ने गया उसके बाद नहीं आया दोनों बच्चे। हमें जानते यही है कि कल शाम लड़की के फादर आए थे, तो उसके बाद सुबह फिर आए, तो इससे ये जाहिर होता है कि दोनों फरार रहे हैं। तो मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ कि ये खबर जो बाकी जिलों में बड़े रूप की भी हो तो उसको चैनल प्रमुखता नहीं देते हैं, लेकिन मेरठ में अगर छोटे रूप की भी हो तो उसको प्रमुखता दी जाती है। उसकी सीधी वजह यही है कि मेरठ टीआरपी सिटी है, यहाँ पर यहाँ की खबरें चलेंगी तो यहाँ की व्यूअरशिप ज़्यादा मिलेगी, और व्यूअरशिप काउंट होगी तभी चैनल्स का ये डिसाइड होगा कि भाई कौन सा चैनल किस नंबर पे चल रहा है। पुलिस और जो सोसाइटी के पीड़ित हैं उनकी मदद करने में मजा आता है, पब्लिक की हम मदद कर पा रहे हैं, तो इसलिए मज़ा आता है कि कम से कम एक ऐसा स्रोत है जो पुलिस पर नकेल कस सकता है और अपराधी और पुलिस के गठजोड़ को बाहर ला सकता है। तो पुलिस ने मीडिया के सामने ऐसा काम क्यों किया जिससे उनको तकलीफ हो सकती थी? तो मेरे ख्याल से एक प्रेशर था पुलिस पर। किसने प्रेशर डाला था पुलिस पर ये काम करने के लिए? नहीं प्रेशर डालने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रही हैं। दरअसल आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछना चाह रही हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं एक जर्नल उसकी बात कर रहा हूँ, ट्विस्ट मत कीजिए। मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसको देखिए, मेरे जवाब में अपनी बात डालने की कोशिश मत कीजिए। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ। पुलिस ने किसी को थप्पड़ मारा, ये तो कोई नई बात नहीं है। नहीं वो बिल्कुल नई बात है, महिलाओं को थप्पड़ पुलिस नहीं मारती आमतौर पर, वो नई बात है महिलाओं को थप्पड़ मारना। महिला अपराधों में इसलिए शामिल हैं कि वो अपने महिला होने का फ़ायदा लेती हैं। आप मुझे बताइए कहाँ ऐसी घटना हुई है कि महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर पुलिस ने झापड़ मारा होगा? आप कह रहे हैं कि होती रहती है, मुझे आप बताइए कहाँ होती है? एक घटना बताइए मुझे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बताइए एक घटना कि महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर पुलिस ने पीटा होगा। मेरे ख्याल से तो कोई घटना ऐसी नहीं। आप ठीक है बहुत ज़्यादा आधुनिक हो सकती हैं, आपके परिवार पर ये फ़र्क ना पड़े, लेकिन 80% महिलाएँ अभी भी, जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की बात करूँ जहाँ तरक्की ज़्यादा है, अगर एक लड़की के साथ कोई ऐसी घटना हुई तो शायद उसकी छोटी बहन की भी शादी नहीं होती है, उसके पिता को भी सामाजिक दंड झेलना पड़ता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने लड़कियों को सरेआम सड़कों पर इस तरीके से पीटा। मीनू की दास्तान मोहब्बत तेजी से बढ़ने लगी थी, समय और सीमाओं को भूल कर ओवरटाइम के बहाने वो अपने आशिक की बाहों में समा जाती। वो दुनिया को भूल चुकी थी पर दुनिया की नजरें उसे नहीं भूली। डांस बार बंद करने का जो फैसला किया है सरकार ने उसका मैं स्वागत करता हूं। इस्लाम ने सिर्फ इतना कहा है कि पर्दा इस तरह हो कि जो है वो गैर मर्द से उसका जो है गलत ताल्लुक न हो जाए। कोई केबिन में घुसी तो कोई बाथरूम में, इनमें वो लड़की भी है जिसे हम 2 दिन पहले ही अपने खुफिया कैमरे में कैद कर चुके थे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने शक्ति कपूर के बारे में सुना और इंडिया टीवी वालों ने जो उसको इस तरीके से नंगा किया, तो मैं तो चाहता हूँ कि शक्ति कपूर के सारे कपड़े उतार करके और उसके ऊपर कालिक लगा करके उसको घोड़े। शक्ति कपूर की घिनौनी हरकत के खुलासे के बाद कई लोगों का कहना है कि ये तो फिल्म दुनिया का सिर्फ एक शहर में छात्रों के साथ जो छात्र ही नहीं कुछ आम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जिनके साथ पुलिस की ये पूरी बर्बरता हुई। हमारे साथ इस समय एक ऐसी ही महिला है प्रियंका। प्रियंका आप हमें बताइए कि क्या हुआ था? सहारा समय पर इनकी तस्वीरें दिखाए जाने के बाद शहर में जमकर इसका विरोध हुआ।
मैं डेढ़ साल में अपने ससुराल गई थी। डेढ़ साल में ससुराल जाने के बाद तो उन्होंने मेरी गैल मार पिटाई, ये लड़ाई झगड़ा करा। उसके बाद में मैंने पापा जी से कुछ पैसे मंगा लिए थे घर से, खर्चे वर्चे के लिए पापा जी पैसे दिए थे। खर्चा ख़त्म होने के बाद उन्होंने फिर वही बदतमीजी करी, करने के बाद में मार पिटाई करी, करने के बाद में तो मैं महिला थाने आ गई। तो मैंने इनसे कहा, मगर जी मैडम ऐसे से बात है, तो ये कहने लगे ठीक है हम समझाई आएंगे तुम्हारे वहाँ जाकर। ना तो कोई हिस्से गया और ना ही कोई ऐसी बात, जैसी मैं मतलब आई थी ऐसी की ऐसी मैं वापस चली गई थी। जाने के बाद उन्होंने फिर मतलब दूसरे दिन फिर मुझे मेरे साथ मार पिटाई करी थी। जब वकील जी ने कहा था कि तेरा केस प्रियंका मैं लड़ूंगा, तो तब मैं इससे जाके लड़ी, मतलब ममता गौतम से बोली थी जाके। तो कहने लगे प्रियंका ऐसा है तू 10,000 रुपये में फैसला कर ले। मैं कहने लगी मगर मेरी शादी में 10,000 रुपये नहीं लगे जो मैं 10,000 में फैसला करूँगी। तो फिर कहने लगी और क्या चाहती है, मगर जी मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो उन्हें सारों को पकड़वाऊँगी, उन्होंने ऐसा करा क्यों मेरे साथ में। तो फिर कहने लगी नु ठीक है नु ऐसा है, या तो 10,000 रुपये में तू फैसला करती है या तो फिर मैं तुझे भुगतूंगी भुगतूंगी। मैं कहने लगी मगर जहाँ तुम्हें दम हो मुझे वहाँ भुगत लेना। उस दिन तारीख थी, वकील तो ये 12 बजे बैठते हैं, 12-1 बजे बैठते हैं, तो उसमें घर से जल्दी आ गई थी थोड़ा। तो मैं और मेरा भाई गांधी बाग बैठ गए, वहाँ बैठने के बाद हम हाथ धूप सेकने लगे आराम से। सेकने के बाद मेरा भाई फ़ोन करने आ गया। तो अगले दिन सुबह के टाइम मैंने पेपर देखा, फ्रंट पेज पे मेरा ही पोस्टर ले रखा था उन्होंने जी। तब फिर मैं वकील जी के पास आई, फिर मैंने कह दिया मुझे इंसाफ नहीं मिलने का तो मैं अपने मुख्यमंत्री के वहाँ जाकर अपनी आत्मदाह कर लूँगी। आपने तो कुछ गलती नहीं की, पुलिस ने गलती की है। नहीं गलती तो चलो हमने नहीं की, पुलिस ने गलती की है, पर मतलब समाज वालों को क्या पता है कि हमने गलती की है, पुलिस वालों ने गलती की है। उन्हें तो ये पता है कि लड़की कसूर है, लड़की ने गलती की है तभी इसके साथ ऐसा हुआ है। हमने 153, 500 एंड 504, 501 एंड 506, 10/12 SC/ST एक्ट में हम लोगों ने ये कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि साहब ये मुकदमा इन लोगों के खिलाफ दर्ज हो। SC/ST एक्ट इसलिए बना कि ममता गौतम बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि इसे बिलोंग टू SC/ST। ममता गौतम ने मेरे बाल पकड़ कर कहा हरामजादी चुड़ैल थानों में मुकदमा लिखाती है और पार्कों में रंडीबाजी करती है, तेरी तो जात ही चमारी है चमट्टी, तुझे SSP से हमारी जो शिकायत की थी उसका आज मजा चखाती है। प्रियंका का केस क्यों लड़ रहे हो, ये तो मतलब सालों सालों तक चल सकता है और पुलिस वाले तो उतने ही पावरफुल है, वो तो दबा देंगे केस को। नहीं मैडम मैं हूँ ना, तो मैं ना इस केस को दबने दूंगा और ना इसमें बहुत ज़्यादा साल लगेंगे। ये एक ऐसा मैसेज चला जाए हाई कोर्ट से, इसमें कोई ऐसी ज़बरदस्त डायरेक्शन आएगी, मुझे विश्वास है कि ये एक मिसाल बनेगा केस। हम लोग फील्ड में थे और जब भी हमारे पास सूचना आई कि पुलिस ने कुछ लड़के लड़कियों को पकड़ रखा है, वहाँ मजनू अभियान चला था। वहाँ जो मैडम थी गौतम, ये उनका उत्साह था या उनके कैमरे में आना था, उन्होंने उनको पता नहीं उस दिन हुआ क्या था, तो किसी से कुछ पूछा ही नहीं और पिटाई शुरू कर दी। या तो वो कहीं बदतमीज कर रहे होते या असली हरकतें कर रहे होते, पिटाई होती कोई बात नहीं थी। भविष्य दर्शन में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थियों के श्रम साध्य सफलता मिलेगी, शत्रु से सावधान रहिए। जब यहाँ हमने स्टार्टिंग किया था तो कहीं कुछ भी नहीं था, सिर्फ अकेला यही चला था और 9 साल इसको हो गए, कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता पूरे दिन का कि छूट जाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीवी पर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें देने का प्रयास करता हूँ। तो बड़े चैनल्स में नहीं दिखा सकते, मैं लोकल स्तर पर हूँ तो मैं तो उतना तो दिखाई दूँ जितना मेरे हाथ में है। पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीवी पर दिखा दूँ। जब आप कोई स्टोरी शूट करने जाते हैं, क्योंकि आप तो एडिटिंग में टाइम भी नहीं लगाते हैं, आप तो डायरेक्ट वहाँ कैमरा के अंदर ही एडिटिंग कर लेते हैं, तो आप कैसे तय करते हैं कि स्टोरी में क्या क्या मसाला होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट 2 बाइट लेता हूँ बस पूरी स्टोरी में, और उसके बाद शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डाल देता हूँ। जब आप 2 बाइट लेते हो सिर्फ, तो मतलब आप मामले की गहराई तक कभी जा नहीं पाओगे ना। नहीं तो 2 बाइट में मैं ये कर लेता हूँ, एक तो जो आरोप लगा रहा वो और उसे क्या हुआ क्या न्याय मिला, एक पुलिस की बाइट, 2 बाइट में काम चल जाता। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने व्यापार कर कमिश्नर को घेरा, पत्रकारों से दुर्व्यवहार, बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन। स्वस्थ मनोरंजन, स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ मनोरंजन करें, और स्वस्थता इसी बात में है कि हमें जिस चीज़ को हम परिवार के साथ में बैठ के इंजॉय कर सकें वही स्वस्थ है बात। मैं नहीं मानती कि परिवार से अलग
बच्चा अगर एक कमरे में जाके कोई फ्रेंड्स के साथ में बात कर रहा है तो इट्स नॉट फेयर. तो वो नेचुरली गलत तो है ही कि बच्चे अपने घर में बिना बताए अपनी क्लासेस छोड़ छोड़ के गांधी बाग में बैठे हुए हैं. तो पुलिस इज राइट जहाँ तक मैं सोचती हूँ. पुलिस अय्याशियाँ खुद कर रही है और एक तरफ भोले भाले छात्र जो अपनी बैठकर समस्याएं डिस्कस करते हैं, अपनी पढ़ाई की समस्या डिस्कस करते हैं, अपने कैरियर की समस्या डिस्कस करते हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से मजनू का नाम देकर पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है. पुलिस अपने काम तो कर नहीं रही है, अपनी असमर्थता को दिखाने के लिए वो ये कार्य कर रही है. क्यों अपराधियों को तो पकड़ नहीं सकती? जहाँ छेड़छाड़ होती है आरजी कॉलेज जहाँ पे लड़के इकट्ठे रहते हैं छेड़छाड़ करते हैं, हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी है, उल्टा हम लोगों को गिरफ्तार कर दिया. बेसिकली हमारे यहाँ बड़ा कॉम्युनल चलता है, हर समय हिंदू मुस्लिम चलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो उसके अंदर ही यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर हम देखेंगे 99.5% कि हिंदू लड़की होगी और मुसलमान लड़का होगा. मुसलमान का बिल्कुल वेल मैनेज प्लान्ड है सारी चीज़ें. अभी ये हमारी कॉलेज रोड है, आरजी कॉलेज रोड है, सबसे वेस्टर्न यूपी का मान्यता प्राप्त कॉलेज है स्थापित लड़कियों का, वहाँ उसी रोड पे आपको वो दिखाई देंगे. टीका लगा लिया, कलावा बांध लिया, अपना नाम हिंदू जैसा रख लिया, सोनू मोनू बबलू, जब तक उसे पता चलता है या तो उसके साथ ऐसा हो चुका होता है, उनके आपस में संबंध हो चुके होते हैं. लड़की को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? बात करना, बार बार उनके चक्कर काटना, ये जो आजकल टीवी दिखाता है, बाकायदा इनकी दो चार छः इंग्लिश की लाइनें सिखाने के लिए इनके बाकायदा कोचिंग चलते हैं. उसके साथ क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बना लिए, उसके फिर फोटोग्राफ कर लिए या वीडियो फिल्म बना ली, तो फिर वो आगे तक भी वो लड़की आती रहेगी उसकी ब्लैकमेलिंग से. ये उनका हिडन एजेंडा है जो चल रहा है. बेसिकली हमारे यहाँ ये एक तरह का जिहाद है, जैसे टेररिज्म का जिहाद है अपना, भाई मारना हिंदुओं को या जो ना मानने वाले हों कुरान को और उस काफिर मानते हैं जैसे उस सबको, उसी तरीके से इनका दूसरा जिहाद है कि ये जो है ये लविंग जिहाद के नाम से है. ये बाकायदा शब्द वहीं से निकल के आया, 3-4 साल पहले आया तो सब कहते हैं शायद हिंदू संगठनों का बनाया हुआ है, लेकिन अब पता चलता है तो सब चीज़ें बाकायदा प्रायोजित होती हैं. तो आपको ये सब कैसे पता है? बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता होती हैं लेकिन उनके कुछ सबूत नहीं होते. आप फिर वहीं पे आएंगे कि क्या नाम है इसका, मजनू कांड से क्या मतलब है जो अपना हुआ है, लेकिन विषय वहीं पे आता है बार बार घूम के कि जो कांड के पीछे है वो कैसेट बनाने वाला कौन है, जो पत्रकार है वो मुसलमान है, क्यों बना रहा है मैंने आपको बता दिया, एक्सक्लूसिव स्टोरी बनानी है. पुलिस के गुड वर्क का उनका झांसा देकर अगले दिन उसको क्या नाम है सारों को सस्पेंड होना पड़ता है. हमने तो एक ही बात की, मैंने पुलिस ने क्या किया तरीका उनका गलत था लेकिन जो किया ठीक किया. बहुत बड़े बड़े नेता बोले टीवीओ के ऊपर कि फिर ये कहां जाएंगे लव करने वाले, मैंने कि हमारे यहाँ लव की कोई मनाही नहीं है लेकिन लव के हमारे यहाँ सिस्टम अलग है, हमारी सभ्यता संस्कृति के अंदर जो हमारी हिंदू संस्कृति है इसके अंदर भाई बहन का प्यार होता है, माँ बाप का प्यार होता है, माँ बेटे का प्यार होता है, बच्चों का किताब से प्यार होता है. प्यार एक ऐसी चीज है उसको बुरा बताते रहे अच्छा बताते रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसको हो गया तो हो गया, जिसको नहीं हुआ तो नहीं हुआ. ये कहा था अवैध संबंध है ना, ये एक अलग चीज है बिल्कुल. तो अवैध संबंध का जो हम हसर दिखाते हैं और हसर होता भी है, जो हम दिखाते हैं वही होता है, तो वो तो दिखाना भी चाहिए और सामने आना भी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं तो ऐसे लोगों के मन में डर बैठता है. अभी एग्जांपल देता हूँ, एक नॉवेल लिख रहा हूँ आजकल के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि वो बीवियाँ बदलते थे. एक ग्रुप है जो बीवियाँ आपस में चेंज करता है, आपने भी कहीं पढ़ा होगा है ना, एक बियर का जार है उसमें गाड़ियों की चाबी डाल दी, जिसकी चाबी जिसके हाथ में आ गई, उसको जो लड़की पहली बार एंटर हुई है उस ग्रुप में वो तो हैरान रह जाती है, वो तो इस कल्चर की है कि ये क्या हो रहा है, तो वो विरोध करती है.
अब वो उसमें अपने आर्गुमेंट देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब मैं उनसे सहमत नहीं कि वो जो आर्गुमेंट देते हैं, है ना, पर मैं लिख रहा हूँ और पूरी मजबूती के साथ उसको लिख रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं, ऐसा भी हो सकता है पढ़ने वाले को लगे कि ये ठीक बोल रहे हैं, अंदर अंदर कहीं जलन है, ये तो पल पे यार, ये तो बिकता है यार, बिकता है तो इसलिए पल पे। मैं तो उन्हें भी सलाह देता हूँ, अगर उनके पास कोई बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हैं तो वो कुछ ऐसी चाशनी में डुबो कर दें कि लोगों को तक पहुँचे तो सही बात, नहीं पहुँचे तो बेकार है। बंद दरवाजों के पीछे मीनू एक अजीब तरह की आजादी महसूस कर रही थी। हाई फाई जिंदगी के मजों में ना हिचक थी ना रेपुटेशन की परवाह। होटल के कमरे, छिपे हुए कैमरे और ब्लैकमेल की दुनिया में वो खो सी गई थी। उसका प्रेमी अपने षड्यंत्रों में उसका बाकायदा इस्तेमाल करता और वो उसे करने देती। क्या ऐसे लोगों को गोली से नहीं उड़ा देना चाहिए? क्या सभ्य समाज ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर सकता है? मनखी कस्बे के एक मशहूर डॉक्टर परिवार में जन्मी जूली 2002 में पटना तो आई थी हिंदी की तालीम हासिल करने, लेकिन वो अपने प्रोफेसर से ही दिल लगा बैठी। दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं को तोड़कर हिंदी के बहाने इश्क और मोहब्बत की दुनिया में डूब गए। प्रेम इतनी बड़ी घटना है कि उसकी उसके सामने शादी तो मानव निर्मित घटना है, प्रेम तो परमात्मा का वरदान है। परमात्मा की शक्ति के आगे आपकी क्या चलेगी? शादी इस आदमी ने बनाई है और प्रेम परमात्मा ने, तो मैंने वो किया है, वो हुआ है, मैंने किया क्या, वो तो परमात्मा का प्रसाद है। आज के टाइम पर हर जगह ब्लूइज्म है, नंगापन बिकता है, और अगर मुझे रोटी खानी है, घर चलाना है, तो मुझे उसी माहौल में जाना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है, इसमें हिंदू लड़कियों की भी गलती है, हिंदू लड़कियों की गलती है कि वो भी बहक रही हैं, उनको नहीं बहकना चाहिए, कोई बहका फुसला रहा है, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। ये घर पे अंकुश ना होने की वजह से इस तरह की कई घटनाएं हुई कि लड़की जा रही है स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के लिए और पहुँच गई पार्क में, तो किसी ने उसको पूछा नहीं, घर वाले पूछते ही नहीं कि आपके पास मोबाइल है, आप इतनी कॉल्स आई हैं, किसको आई हैं, आपने किसको की हैं, कहाँ से मोबाइल फ़ोन आया, कहाँ से आपके पास सब चीज़ें आ रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है। सिर्फ छेड़छाड़ के साथ साथ एक धार्मिक मामलों को लेके भी, मंदिर मस्जिद इस तरह की चीज़ों को लेके भी यहाँ फसाद होते रहे हैं। 1987 में राइट हुआ था, उससे पहले 1982 में हुआ था। देखिए मैडम, ये मेरठ में पुणे हिंसा, आगजनी, विस्फोट, पथराव, वह हत्या, मेरठ में सेना बुलाई गई, जलते मेरठ में देखते ही गोली मारने के आदेश। खास बात यह है कि 1987 में हाशमपुरा कांड हुआ था, जब भी दंगा होता है तो पुलिस सामूहिक गिरफ्तारियां करती है गली मोहल्ले से, तो 42 लोगों को पीएससी के ट्रक में बैठा के पुलिस ले गई थी और ले जाके उनको सभी को मार दिया था। आरोप है कि पीएससी ने मार के उनको नहर में फेंक दिया था सबको। और हाशमपुरा कांड में आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। सीबीसीआईडी ने उसमें चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद कोई उसमें एक्शन नहीं हुआ। ऑपरेशन मजनू की कहानी का नतीजा क्या हुआ? जब इलेक्शन आए उस दौरान जब हम घूमे हैं एक रिपोर्टर के रूप में, हमने जब हिंदू संगठन, हिंदू सोसाइटी में लोगों से बात की है कि भाई क्या वजह है कि जो आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम लड़के इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं सोसाइटी में कि हमारी लड़कियों का निकलना दुर्बर हो गया है, घटनाएँ बढ़ रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हिंदू पार्टी जीते, और कहीं ना कहीं इस नाते से हम मान सकते हैं कि उसकी जीत हुई है। और अंशु बिट्टू, वो जो दो भाग गए थे, उनका क्या हुआ? उसके बाद वो मामला इतना मीडिया में हाईलाइट हुआ, दोनों यहाँ से भाग के पंजाब गए, बाद में कई दिन तक उनको फॉलो किया जाता रहा, और वो लौटे और उनकी इनफैक्ट इतनी चर्चा हो चुकी थी कि दोनों परिवारों की मजबूरी हो गई उन दोनों की शादी करना, फाइनली उन दोनों की शादी कर दी गई। सर
मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट किया है बस. आज वो सब आए हुए थे, पार्टी वार्टी करी है, डांस वांस, घूमना फिरना. गर्ल्स एंड बॉयज़ और जस्ट गर्ल्स? ओनली गर्ल्स. व्हाई ओनली गर्ल्स? बॉयज़ आर नॉट अलाउड एट होम. कोई ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैं आरजी कॉलेज में हूँ तो वहाँ गर्ल्स ही होती हैं फ्रेंड्स, तो वो ही आई हुई थी आज घर पे सिर्फ. तो लोगों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं? हाँ होते हैं. आपका नहीं? मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती इस चीज़ को. क्यों? बिल्कुल भी नहीं. आई डोंट लाइक. व्हाई? मेरा मानना यह है कि पहले लाइफ बनानी चाहिए अपनी, और उसके बाद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए. पहले अपने आप को सेटल करना चाहिए, उसके बाद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए. लव इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, बट बीइंग इन लव और बदनाम होना या कुछ गलत काम करना जिससे तुम्हारे घर वालों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है या तुम बदनाम हो रहे हो, दैट इज़ बैड थिंग. सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपने पेरेंट्स को दुख पहुँचाए, दैट इज़ तो द ब्लंडर, सबसे बुरी बात है. मुझे कुछ भी सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे. If you want to spend some time with someone, that must be a quality time, and that should not be in a place like parks, जिनकी पहले से ही कोई मतलब इमेज नहीं है, सबकी इमेज डाउन हो चुकी है. और सही बात तो बताऊँगी, काम खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले. इट्स अ नेचर, और ये काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता. इट कांट बी एंडेड. इट कांट बी एंडेड. वो खत्म हो ही नहीं सकता. सो What's your idea of romance? You have no idea of romance. No idea. Akshat. तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ पढ़ती है? फोटो दिखाऊं? नहीं, उसकी फोटो मत दिखाएं, पर उसके घर वाले देख लेंगे. तो फोटो ही दे. आपके घर में किसी की लव मैरिज हुई है? नहीं. हेलो, आप क्या? हम्म, इनके आने आपके घर वालों को पता है कि गर्लफ्रेंड? इसको तो पता है, मैंने इसे देखा नहीं आज तक. एक दिन गलती से मेरे से मिस कॉल लग गई थी. तो बिना किसी को देखे कैसे प्यार हो गया? देख के हो या बगैर देखे हो, उसमें उसे भी तो हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है. लड़का कभी नहीं छोड़ता. हमें तो देखो, मैंने तो क्या नाम है, उसे देखा भी नहीं उसका, फिर भी ऐसी हो गया. मैं तो फिर भी मैं कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ, क्या नाम है, भले वो कैसी भी हो मैं उसे रखूँगा. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be when our next meeting? 'Cause love, time is fleeting, time is fleeting. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be